अगर आप एक साथ कई तरह के कीट पतंगों से मिलना चाहते हैं तो आपको इस तरह की जगह पर आना होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस धरती पर कुल कितने कीट पतंगे रहते हैं? नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट कहती है कि करीब 10 क्विंट्रिलियन। और ये क्विंट्रिलियन क्या होता है? देखिए, 10 लिखने के लिए आपको एक के आगे एक ज़ीरो लगानी होगी, 100 लिखने के लिए 2 ज़ीरो और 1000 लिखने के लिए 3 ज़ीरो। इसी तरह अगर आप एक के आगे 30 ज़ीरो लगा देंगे तो जो संख्या आपके सामने आएगी वो होगी 1 क्विंट्रिलियन। और 10 क्विंट्रिलियन लिखने के लिए आपको एक के आगे 31 ज़ीरो लगानी होंगी। और इतने ही कीड़े इस धरती पर रहते हैं और वो हमारे इकोसिस्टम का बहुत अहम हिस्सा हैं। वो मृत पौधों और जीवों को विघटित करते हैं, वो परागण करके हमारे खाने का इंतज़ाम करते हैं। और इस मामले में मधुमक्खियों का कोई जवाब नहीं है, और वो तो हमें शहद भी देती हैं। मधुमक्खियाँ इंसानों के लिए कितनी ज़रूरी हैं? खेती में मधुमक्खी को तीसरा सबसे मददगार जीव माना जाता है, सुअर और गाय के बाद। अनुमान है कि दुनिया भर में उनकी 30,000 तक प्रजातियां मौजूद हैं। हम शहद के लिए हजारों साल से मधुमक्खियों को पाल रहे हैं। जिन प्रजातियों को पाला नहीं जाता उन्हें जंगली मक्खी कहा जाता है, जैसे कि उनमें बम्बल बी या भंवरों जैसी कुछ प्रजातियां भी शामिल हैं। मधुमक्खियां बहुत सी फसलों का परागण करती हैं। यूरोप में 3/4 फसलें परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर हैं। उनके बिना फल देने वाले पेड़ों से सिर्फ 1/4 फल ही मिल पाएंगे। अध्ययन बताते हैं कि परागण के लिए शहद वाली मक्खियां सबसे अच्छी नहीं हैं, बल्कि जंगली मक्खियां इसके लिए बेहतरीन हैं। एक अध्ययन में दुनिया भर में 40 तरह की फसल व्यवस्थाओं को परखा गया। छोटे खेतों से लेकर बड़े मोनोकल्चर वाले खेतों तक शहद की मक्खी और जंगली मक्खी के परागण की तुलना की गई। नतीजों से पता चला कि जिन फूलों का परागण जंगली मक्खियों ने किया उनसे घरेलू मक्खियों के परागण वाले फूलों की तुलना में दोगुनी उपज मिली। फिर भी शहद वाली मक्खियाँ हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती हैं। छत्ते में लौटने के बाद वो अपने साथ लाए पराग और पराग कणों को अपने एंजाइम से समृद्ध करती हैं और छत्ते में रख देती हैं। उससे निकला मीठा तत्व कई ऐसी चीज़ों में बदल जाता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि शहद। माना जाता है कि ये सर्दी, नींद ना आने और त्वचा से जुड़ी समस्याओं में मदद करता है। लेकिन जंगली मक्खियों पर भी ध्यान है। वो जो जहर तैयार करती हैं, वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया है। इसमें सूजन घटाने वाला यौगिक है जो कैंसर के इलाज में भी मददगार है। मधुमक्खी के जहर में भी ये यौगिक होता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत तेज होते हैं जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान हो सकता है। जंगली मधुमक्खियों में मिला एक यौगिक सिर्फ कैंसर पर काम करता है। अध्ययन ये भी बताता है कि मधुमक्खियों का जहर समय के साथ ज्यादा जहरीला होता गया है। कीटों का सबसे पुराना जीवाश्म 40 करोड़ से लेकर 43 करोड़ साल पुराना है, जो स्कॉटलैंड में पाया गया था। इस बारे में हिस्टोरिकल बायोलॉजी जर्नल में 2020 में टेक्सास यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों का एक शोध छपा था। वहीं पंखों वाले कीटों का सबसे पुराना जीवाश्म 33 करोड़ साल पुराना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कीट पतंगे उन शुरुआती जीवों में शामिल हैं जो महासागर से निकलकर ज़मीन पर रहने लगे। वैज्ञानिकों के पास अभी कीड़ों की 10 लाख प्रजातियों के बारे में जानकारी है, लेकिन अनुमान है कि उनकी करीब 40 लाख प्रजातियों का वर्गीकरण होना अभी बाकी है। कीड़े इस धरती पर इंसानों के आने से बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, लेकिन आज उनके अस्तित्व के लिए खतरा है, वो भी इंसानों की वजह से। बहुत सारे लोग कीड़ों को देखकर या तो डर जाते हैं या फिर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर कीड़े नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। वो मिट्टी की संरचना और उसे उपजाऊ बनाए रखने में मदद करते हैं। वो परागण करते हैं, परिंदों और कीट पतंगे खाने वाले दूसरे जीवों की खाद्य श्रृंखला में कीड़े अहम भूमिका निभाते हैं। अकेले पक्षी ही एक साल में
40 करोड़ से लेकर 50 करोड़ टन तक कीड़ों को खा जाते हैं। अब तो सीधे सीधे कीड़ों को इंसानों के खाने में शामिल किया जा रहा है। वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। संयुक्त राष्ट्र दुनिया की बढ़ती आबादी को देखते हुए भविष्य में कीड़ों को खाद्य सुरक्षा के नजरिए से बहुत अहम मानता है। भले ही अभी इस विचार को ज्यादा स्वीकार्यता ना मिली हो, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में पहले से ही कीड़ों को खाने का चलन है। कीड़ों की विभिन्न प्रजातियां करोड़ों साल से इस धरती पर रह रही हैं, लेकिन आज उन पर संकट है। इसके कई कारण हैं। खेती में कीटनाशकों का इस्तेमाल, कीड़ों के बसेरों का उजड़ना और जलवायु परिवर्तन की वजह से उनकी संख्या घटती जा रही है। प्रकाश प्रदूषण भी उनके लिए समस्या बन रहा है। इससे उनके खाने, रहन सहन और जीवन चक्र में बाधाएं आ रही हैं। कुछ साल पहले आई एक रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि जर्मनी में हर साल गर्मियों के दौरान रात में कृत्रिम रोशनी की वजह से लगभग 100 अरब कीट पतंगे मारे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में कीड़ों की 40% प्रजातियों में कमी आ रही है, जबकि 1/3 प्रजातियां लुप्त प्राय की श्रेणी में शामिल हैं। कीड़ों की प्रजातियों में लुप्त होने की दर स्तनधारियों, परिंदों और सरीसृपों से 8 गुना तेज है। उन्हें खत्म होने से रोकना होगा। इसके लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करना होगा, कीड़ों के बसेरों को सुरक्षित करना होगा। अपने आसपास फूल लगाइए, इससे कीट पतंगों की सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको शहद भी मिल सकता है। अगर आप इस पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों और कीट पतंगों की संख्या की तुलना करना चाहते हैं तो आपको एक इंसान के साथ 1.4 अरब कीटों को रखना होगा। वजन देखें तो कीटों का कुल वजन इंसानों के मुकाबले 70 गुने से भी ज़्यादा बैठता है। इस धरती पर जीवों की जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें से 90% कीट पतंगों की हैं और उनका संसार बहुत ही विविध है। इसमें मधुमक्खियाँ हैं, इसमें चींटियाँ हैं, इसमें तितलियाँ हैं, इसमें कॉकरोच हैं, बहुत कुछ है। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है और सबसे ज़्यादा क्या नापसंद है, हमें कमेंट करके बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर इस वीडियो में आपको कोई काम की बात दिखी हो तो इसे दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।